नवाज अंसारी यार, नवाज अंसारी जैसा बोल ही रहे थे हम लोग कि फ्लो देखो ना, वर्ड टू वर्ड फ्लो चेंज, शब्द का जो महत्व है वो कितना। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्यूष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम नेपॉप वर्ल्ड की तरफ अब चले हैं और नेपॉप वर्ल्ड से जैसा कि आपको पता है कि नवाज अंसारी का एक बिल्कुल ट्रैक कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है जिसका नाम है बगावत। एंड गाइस, इसका आर्टिस्ट, लिरिक्स, मिक्स, मास्टर सब नवाज अंसारी ही हैं और प्रोड्यूस करा है हाकिन स्लाकिन ने। और आपको पता है गाइस, नवाज अंसारी जो आर्टिस्ट हैं ये 4 लैंग्वेजों में रैप करते हैं और चारों में कमांड अल्टीमेट है और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट हमें लगते हैं जो नेपॉप से आते हैं। तो गाइस, ये तो जानकारी थी आर्टिस्ट और उनके ट्रैक के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन ऑन नेपॉप। इस बार हम बगावत के साथ आए हैं, नवाज अंसारी के ट्रैक पर रिएक्ट कर रहे हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हम सारे प्लेटफॉर्म पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट, चेक इट आउट गाइस। सो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। No talk that source din some weakest to zaman namaste they talk they get tick off no parale pressing on who did no click off to plug it boss you how they really दरखास्त हुँदैन सिधै बगावत, बन्द बाटो बन्द आवत र जावत, काथरले देख्दैन आफूलाई खावट, जलेको चितामा उम्लिन्छ छामल, किस्मतलाई थाहा पाउन फालेको सिक्का, भुतिर झरेन हात मेरो मैलो त्यो देखेन रेखा, थुगरी रगडी बनाको ढिका माडेर फुक्या, रेकर्डै छैन म कहिले नि झुक्या, भेटेको बिचारा देखेर छोड्दे, छाडो घाटी लाएपछि बोटो चाहिँ फोड्दे, गर्दैको फेभर त जागो र भन्थे, नेपॉपको छाप्रोमा म एउटा खम्बा, त्यो खम्बाको माथि अंसारीको झण्डा, सिधा सादा मान्छे म खोबी म मामा fan आफ्नो ठाउँमा छ मेरो चाहिँ क्ल्यान छ। क्ल्यान भने गल्बुजी क भने क क हैन खमुजी हो भन्सी होमुजी हो हैन हसमुजी, मेहनतको फल मेरो चुप लागे बसमुजी। समय र इलाका एउटै हो, हेर्ने नजर मात्र फरक, विक्रम सम्बत एनो र डोमिनी, मैले लिएको शपथ मर्दिन गरिबै छैन कुनै चक्कर, पारदर्शी टनल भिजन, लुगा पुरानो, म्युजिक चाहिँ न्यू एडिसन, रियल हिप हपको वास्तविक रिप्रेजेन्टेसन एन्ड द्याट्स नवाज अंसारी। मेरो वरिपरि सबजना जी, मेरो बाउली माउली जी, पहिला राम्ररी बोल्ने हो नेप्रेर बोलेमा डब्लु डब्लु ई एफ जी, मलाई सुनेसी तिमी पनि जी, मेरो गानालाई हेडफोनमा मजाले लगाएर सुनेर हेर त नवाज अंसारी। यार नवाज अंसारी मतलब जब आते हैं ना तो नवाज अंसारी का यूनिक स्टाइल आपको पहले से ही बताता है कि क्या ट्रैक में होने वाला है। बिल्कुल, यार बिल्कुल, जो बिल्कुल। मतलब फ्लो देखो ना, वर्ड टू वर्ड फ्लो चेंज हो रहा है भाई, एक एक वर्ड पे जोड़ देके ना स्पिट किया जा रहा है उसे। तो हाँ। बहुत सही ट्रैक है, बहुत सही ट्रैक है गाइस। और कहीं ना कहीं वो जैसा बोल ही रहे थे हम लोग कि यार वो बहुत ही सही आर्टिस्ट है और वो अपने जब वो हिप हॉप जॉनर रैपिंग कर रहे होते हैं ना और जब वो स्पिट कर रहे होते हैं तो उनका ना एक बहुत से, जैसे भाई ने कहा कि हर शब्द पे उन्होंने बहुत अच्छे से जोड़ दिया है और उसी हिसाब से फ्लो भी ना फिर वो उतना अच्छा और सुनने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर शब्द को उस शब्द का जो महत्व है वो कितना भारी शब्द है ना तो उतना ही जोड़ दिया जा रहा है उस शब्द को, तो वो बहुत सही हिट कर रहा है। पीछे जो 808s बज रहे हैं बीट में वो बहुत सही वो दे रहे हैं और हाई हैट्स आ रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है सुनने में। बीट जिसने भी कंपोज किया है बहुत बढ़िया कंपोजिशन है। नहीं, शायद नवाज नहीं करी है, खुद ही करी, खुद ही करी। दो बंदे, अच्छा हाँ, वो दो बंदे हैं जो उन्होंने करी है। तो बीट बहुत अच्छी है, फिर नवाज की जो स्पिट आती है थोड़ा गैंगस्टा फील है इस ट्रैक का, जहाँ पर जिस तरह के वर्डिंग वो यूज कर रहे हैं, ऑप्स पे शॉट ले रहे हैं। तो नवाज का कोई भी ट्रैक आप उठा लो, डिसअपॉइंटमेंट तो कभी नहीं होता उस ट्रैक से, आपको सुनने में मजा आएगा। और जिस तरह की उनकी स्पिटिंग रहती है, वर्सेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, काम किया हुआ होता है वर्सेस पे, ऐसे ही बस सीधे फ्लो में नहीं जाते हैं, तगड़ी तरीके से लिखे हुए बड़े मतलब स्ट्रिक्ट पैटर्न में लिखे गए होते हैं उनके जो वो होते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी वेरिएट कर रहा है। हाँ, बहुत सही तरीके से लिखा हुआ वर्ड्स होता है उनका। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाइस और बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं यार। हम इनके कई ट्रैक कर चुके हैं और हर ट्रैक में अपना ना आज तक हमें ये फील नहीं हुआ कि यार ये कहीं लोग रह गया, उससे वो अपना एक फ्लेवर रखते हैं और बहुत तगड़े तरीके से काम करके उनको दिखाते हैं। प्रॉपर हिप हॉप गाइस, प्रॉपर हिप हॉप। और आपको ना ऐसा भी नहीं लगेगा कि कहीं पर मोनोटनस हो रहे हैं। हाँ। हर ट्रैक में आपको ये लगेगा यार यहाँ पर कुछ नया लेके आए हैं। अब यहीं पर देख लो, नहीं तो यहाँ पर ना वो वर्ड टू वर्ड फ्लो चेंज कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप नवाज अंसारी का देखोगे तो लंबे लंबे बार्स मारना पसंद करते हैं। हाँ। पर यहाँ पर वर्ड टू वर्ड फ्लो चेंज हो रहा है, बार्स भी पढ़ रहे हैं, वर्ड्स तगड़ा है। तो यूनिक है भाई आर्टिस्ट। नेपॉप में नवाज अंसारी एक यूनिक स्थान रखते हैं अपना, ये बात तो है। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। चलिए गाइस फिर आगे रिएक्ट करते हैं। Like no talk that source din some weakest to zamana ma se they talk they get take off no parale price ang hu din no click off to plagi boss yo hare re league darkhasta hu din na sidhe bagavat banda bato banda awat ra jawat kathar le dekdaina afu like coward jale ko chita ma umlincha chamal sable afno parale gari khaos dekheko sapna jiuno ni paos marun je samma ni mera ye amla le record button ma thi thisdi na paos koile na thakos yo hours a a e e u u e oi paos karna ek photo ma nawaz sorry जिंदगी ज्यादा न खेरे तीन चार जना लगता खेल खेल में मार दू की को बदला गया और बहुत हल्का बदल रहे पर वो ना बिल्कुल अलग साउंड कर जा रहा है। बहुत हल्का इस तरीके से चल रहा है मतलब ना। हाँ। और मतलब इतने बार का चल रहा है, फिर थोड़ा पॉज ले रहे हैं, फिर अगला बार आ रहा है। और आप देखोगे उसी में थोड़ा सा वेरिएट भी कर रहे हो, फ्लो करोगे जैसे वो कर रहे हैं तो ये वेरिएशन ला रहे हैं वो थोड़े वेरिएशन ला रहे हैं जो ना बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है पर वो अलग कर रहा है गानों में ना। उसमें वो दो तीन वेरिएशन फ्लोज के दिख जा रहे हैं, इंटरनल फ्लोज चेंज हो रहे हैं जैसे आई यू एकदम से बड़ा तेजी से बोल गया तो वहां पर वो थोड़े-थोड़े उसमें काफी अच्छे चेंज कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं ला रहे अपने फ्लो में पर हल्का-हल्का स्लाइड बदल रहे हैं तो वो ना बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे वर्सेस को तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो हाँ इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सही यार। मेरो वरिपरि सबजना जी मेरो बाउली माउली जी पहिला राम्ररी बोल्ने हो नेप्रेर बोलेमा WWE ओ नाइस जी मलाई सुनेसी तिमी पनि जी मेरो गानालाई हेडफोनमा मजाले लगाएर सुनेर हेर त गैंगस्टर but that's just me नवाज अंसारी yeah that's नवाज अंसारी realizing that बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक था। इसको फ्लो को ना आप स्टडी कर सकते हो, इस तरीके का फ्लो है इस ट्रैक का। कहाँ पर आप अगर जो नए रैपर्स हैं ना कैसे मतलब वो लाना है ना एक होता है ना क्या बोलते हैं उस चीज को ट्वीक करते हो ना हल्का पर वो इतना सही बैठ रहा है और आपको महसूस होगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। अगर आप वैसे देखोगे आपको लगेगा यार फ्लो कहीं चेंज नहीं हो रहा पर जो इंटरनल फ्लो चेंज हो रहे हैं ना वर्ड टू वर्ड ट्वीक करके उन्होंने जो थोड़े थोड़े सेक्शंस में फ्लो चेंज कर रहे हैं ना बहुत स्लाइड वो बड़ा सही खेल जा रहा है। वो ना सुनने जब आप ध्यान से सुनोगे ना तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि फ्लो कैसे चेंज हो रहा है, कितने बार्स के बाद हो रहा है। तो वो चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। पर अगर नए रैपर्स अगर इस तरह के फ्लोस को स्टडी करेंगे ना तो उन्हें फिर वो लिख भी पाएंगे कि कहाँ पर कितना पॉज लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है गाइस। मतलब यार नवाज अंसारी तो कभी डिसअपॉइंट करते पायनियर्स हैं यार। ये जनरेशन में सही आर्टिस्ट हैं। आतंक मचा रखा है गाइस, आतंक मचा रखा है। मजा आ रहा है सुनने में और वही चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा था स्टार्टिंग में कि भाई ये अपने आप में यूनिक आर्टिस्ट है और वही उन्होंने इस बार भी प्रूव कर दिया गाइस। तो गाइस ये गाना आप जाके अगर अभी तो आपने नहीं सुना है तो प्लीज नवाज अंसारी का बगावत करके ट्रैक है, प्लीज़ जाइए उनके ऑफिशियल चैनल पर और उस गाने को चेकआउट करिए। बताइए आपको कैसा लगा कि जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस करी हैं वो भी आपने महसूस करी और और क्या बातें आपने महसूस करी वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको पता है गाइज इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, बिल्कुल बताइए हमें कि कैसा लगा आपको, राइट। सो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुएल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय सियाराम।